महलनुमा घर के वसीओ अरीज लॉन में स्विमिंग पूल के किनारे बैठा धूप सेंकता लंबा तड़ंगा शख्स सिगार पी रहा था और इसके सामने बैठा रूसी इससे मुखातिब हुआ सर आप अभी अमेरिका में हैं और महफूज़ हैं अब तो हम आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते सोवियत यूनियन भी टूट चुका है मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब लेने के लिए ताती हैसियत में हाज़िर हुआ हूँ ये सवाल मुझे आज तक बेचैन रखे हुए है कि आप हमारी सोवियत यूनियन की फ़ौज में जनरल थे हमारी के को हर हद तक यकीन था कि आप अमरीका के अंडर कवर एजेंट हैं लेकिन हम इतने सालों तक भी आपकी जासूसी करके कोई सबूत हासिल ना कर सके क्या आप अमरीकी मुफादात के लिए काम कर रहे हैं ना आपकी कभी कोई ख़त किताबत अमरीका के साथ पकड़ी गई ना आपने कभी किसी अमरीकी एजेंट से मुलाकात की मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी क्या थी जो अमरीकी एजेंट के तौर पर आपको दी गई थी वो रूसी जन्नैल मुस्कुराया शराब की चुस्की ली सिगार का कश लगाते मुंह से धुआं छोड़ते हुए बोला मेरा काम था बड़ी से बड़ी पोजिशन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा नााहल अफराद को भर्ती करना और मैं सिर्फ यही करता था जब मुल्क की बाग दौड़ ना अहल अफराद संभालते हैं तो मुल्क ऐसे ही टूटते हैं और मैंने अपने हिस्से का काम बाखूबी सर दिया सोवियत यूनियन टूट गया कहते हैं लम्हों की सज़ा सदियां पाती हैं और अफ़राद की गलतियों की सज़ा कौमें भुगतती हैं वैसे तो पाकिस्तान की पिछहत्तर साल तारीख़ में नाअहल अफराद की अक्सरियत ही अहम उदों पर फ़ाइज रहे लेकिन पिछले दस सालों के पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नाअाहल छोटे घटिया हरीस खुद गर्ज़ पसंद अफराद शामिल हुए अहम पोजिशन्स पे के पाकिस्तान की बुनियादें हिल गईं 2011 में जनरल रिटायर शुजा पाशा जैसे कौम के मुजरिम खबीस शख्स ने प्रोजेक्ट इमरान खान पे काम शुरू कर दिया इस शख्स को ब्रांड बनाना शुरू कर दिया गया जिसके बारे में हकीम सईद उन्नीस में और डॉक्टर इसरार साहब 2000 की दहाई में बता गए थे कि यह बैन अवी पाकिस्तान दुश्मन क़ुतों का नुमाइंदा है इससे नौजवान नस्ल खबरदार रहे लेकिन एक बदबक नााहल शख्स ने दूसरे नााहल शख्स को ब्रांड बनाने का आगाज कर दिया ये बज़ और नफ़रत की बिना पर इसका ज़ाती मंसूबा था और इसने अपने इदारे को भी इसी पर राज़ी कर लिया और फिर इस पौधे की आबियारी दूसरे मकरू तरीन किरदार जहर इस्लाम ने शुरू कर दी इसमें आसिम बाजवा जैसे करप्ट हराम खोर ने फिर मुआवनत की इस वक्त मुल्क में एक नई जमहूरी हुकूमत इलेक्शन जीत कर आई और नवाज शरीफ मुल्क का वज़ी अजम बना उन्होंने आते ही बारह सालों से तबाह हाल अमन वमान बहाल किया मदमशुमारी करवाई कराची ऑपरेशन करके अल्ताफ़ हुसैन को कराची की सियासत से अलग किया ज़रब अज़म और रद्दुलफसाद के लिए सैकड़ों अरब का बजट देकर कबाइली इलाकों में ऑपरेशन शुरू करवा कर अमन बहाल करवाया बलोचिस्तान में शदत पसंदी ख़त्म की और चीन के साथ मिलकर सी पैक का आगाज किया चीन की तरफ से बासठ अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का एलान हुआ और छियालीस अरब डॉलर के मनसूबे जेर तामीर थे बिजली के मंसूबे लग रहे थे ग्वादर पोर्ट बनना शुरू हो गई वस्ती एशियाई रियासतों समेत चीन की दरामदाद बरामदाद सी पैक के रूट से गुजारने का मंसूबा था और तीन मरलों में सी पैक मुकम्मल होना था मंसूबे के मुकम्मल होने तक चीन समेत रूसी रियासतों और खलीजी ममालिक इन्वेस्टमेंट कई सौ अरब डॉलर पहुंच जानी थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी थी डैम सड़कें मोटरवेज बंदरगाहें सनती जोन रेलवे ट्रैक्स के मंसूबे बनने थे और बनना शुरू भी हो गए थे मुल्क में बिजली की कमी पूरी हो गई लोड शेडिंग का खात्मा हो गया महंगाई 48 सालों की कमतरीन तरीन सतह पर चली गई तरक्की की शराब छह फीसद पर जा चुकी थी डॉलर सौ रुपए का था स्टॉक मार्केट चौवन हजार इंडेक्स पर थी कतर के साथ पंद्रह साल एल एन जी का दुनिया के सस्ते तरीन रेट पर मुहदा हो चुका था तापी गैस पाइप लाइन बिचने की बातचीत हो रही थी ईरान गैस पाइप लाइन बिच चुकी थी आटा पैंतीस रुपये किलो था चीनी पचास रुपये किलो थी पेट्रोल पैंसठ रुपये लीटर था खाद सस्ती थी मेट्रो बसेज मेट्रो ट्रेन बन चुकी थीं गर्ज मुल्क में तरक्की के दौर का आगाज हो चुका था पाकिस्तान खत्ते का अहम मुल्क बन गया था और आलमी सतह पर पाकिस्तान की कदर अहमियत बहुत बढ़ गई थी हिंदुस्तान का वजीर अजम नरेंद्र मोदी खुद चल के पाकिस्तान आ गया कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का इंदिया दिया और इस तरफ पेशकदमी शुरू हो चुकी थी हिंदुस्तान खुद सी पैक का हिस्सा बनना चाह रहा था अंदाजा था कि सी पैक के मुकम्मल होने पर पाकिस्तान सालाना चीन और वस्ती एशियाई रियासतों की सिर्फ तजारती आमदोरफ से पचपन अरब डॉलर सालाना टॉल की मद में हासिल करता इसी असना में राहल शरीफ के बाद कमर बाजवा जैसा गलीस तरीन इंसान फौज का सरबरा बन गया और फिर असल खेल शुरू हुआ पाकिस्तान के अवाम के मुजरिम इकट्ठे हुए जैसे हिंदी फिल्म सरकार में सारे विलन इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि सरकार को मारना है तो सरकार की सोच को मारो इसी हमत अमली को अपनाते हुए जमहूरी वजीर अजम के खिलाफ डिसक्रेडिट करने की कैंपेन स्टार्ट की गई और कौमी मुजरिमों ने इकट्ठे होकर हर एक ने अपना अपना महाज संभाला साकिब निसार खोसा और साथी जजों को अदालती महाज दिया गया सलमान इकबाल के एआर वाई और बोल्ड टी वी को जराए इबलाक का महाज दिया गया कादरी को मज़बी महाज दिया गया और इसकी मत में तहरीक लब्बैक भी शुरू कर दी गई जावेद इकबाल जैसे मकरूह शख्स को नैब के जरिए जुल्म की इंतहा करने की ज़िम्मेदारी दी गई और जनरल फ़ैज़ जैसे कभी शख्स को इन सारे मामला को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई इस सारी बिसात को जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहा था ताकि प्रोजेक्ट इमरान पाया तकमील को पहुंच सके और फिर वो वक्त आ गया जब सारी तरक्की की बिसात लपेट कर दो हज़ार अठारह के इलेक्शन में खुलेआम धांधली करके इमरान ख़ान को मुल्क का वज़ी अजम बना दिया गया और पौने चार साल में मुल्क की सारी तरक्की को रिवर्स केयर लगा के कश्मीर सरेंडर करके बैन अवी बरदरी को नाराज करके मुल्क को सफारती मुहाज पर तनह कर दिया सत्तर सालों में जितने कर्जे लिए गए थे वो पौने चार सालों में ले लिए गए करप्शन की भरमार कर दी गई तरक्की की शराह को मनफी ले जाया गया रुपया डॉलर के मुकाबले में एक सौ नब्बे रुपए पर चला गया बुजदार महमूद खान जैसे वजीर आला सुबह को तबाह कर गए इंतकाम नफरत झूठ बहतान का कल्चर परवान चढ़ाकर माशरे में तकसीम पैदा कर दी गई स्टेट बैंक को आलमी मालियाती इदारों के हवाले कर दिया गया महंगाई का ऐसा तूफान बर्पा किया गया कि आवाम की चीखें निकल गई और फिर जब मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट कर गया और मुल्क तो की बुनियादें हिल गईं तो स्टैब्लिशमेंट की मौजूदा और आने वाली क्यादत के जोर देने पर यह कौमी मुजरिम मजबूरन पीछे हटे और अपोजिशन की तमाम कौमी पार्टियों ने तहरीक अदम अतम पेश करके हकूमत हासिल कर ली और तबाह हाल पाकिस्तान की बहाली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डाल ली जिसकी भारी कीमत अब वो अदा कर रहे हैं लेकिन शोमई किस्मत कि तमाम कौमी मुजरिम खुलेम दन दें फिर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं सैकड़ों अरब डॉलर का मुल्की मीशत को नुकसान माशरे की तबाही और लाखों जानों की कुर्बानी दिए जाने वाला कश्मीर हाथ से गंवा के ये कौमी मुजरिम किसी भी एहतसाब से बचे हुए हैं मुल्क शायद संभल तो जाए लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी तबाही से दोबारा बचने के लिए और बैन अवी बरदरी का अतमाद बहाल करने के लिए हमें इन कौमी मुजरमों को समाजी कानूनी और इदारती बुनियादों पर इबरत का निशान बनाना होगा जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम इन तहाई प्रोफेशनल अंदाज और तसर रखते हैं और बहुत अच्छी शहरत के हामिल हैं इनसे उम्मीद है कि वो पाशा आसिम बाजवा ज़हिरम फैज़ कमर को कौमी मुजरिम गर्दानते हुए इनका एहतसाब करते हुए तारीख में ज़िंदा रहने की मिसाल कायम करें और आने वाले वक्त में काजी फ़ायजीसा साकिब निसार और खोसा समेत गंदे किरदारों का मवाक्सा करें और मातहत अदलिया की छांटी करें और कौम भी इमरान ख़ान समेत इन तमाम कौमी मुजरिमों को पहचानें और अपने रवैयों से इन से नफरत का इजहार करें वरना ये कौमी मुजरिम भी सोवियत यूनियन के जनरल की तरह आलिशान महलों में बैठे विस्की और सिगार पीते मुल्कों को तोड़ के इनकी आवाम की बेबसी और अपनी ताकत पर सारी जिंदगी मुस्कुराते रहेंगे